सो हाई गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइज, इन टुडे सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन, बट बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विजेस। ओके, एंड दीज आर द फाइव टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इस कमीशन का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सो वी डिस्कस अबाउट दिस कमीशन। स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, उस पर कुछ डेटा दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी विल डिस्कस दैट। देयर इज वन वैभव समिट दैट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एंड ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड। ओके, सो दीज आर द फाइव टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन जो है गाइस, सबसे पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन इज अबाउट द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। सो व्हाई वाज दिस इन न्यूज? दिस वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली डायमंड जुबली ऑफ कमीशन वाज सेलिब्रेटेड। ओके, इस कमीशन का डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली ऑन 1st of October 2020। इसको 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो इट वॉज द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। ओके, एंड इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के ओकेजन पे कुछ चीजें लॉन्च की गई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, राइट? ऑफिशियल वेबसाइट वाज लॉन्च्ड, वन मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड, एंड देयर आर अदर मेनी थिंग्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डायमंड जुबली, बट दीज लॉन्चेस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज अबाउट द कमीशन। वी शुड नो अबाउट द कमीशन बिकॉज ये कमीशन जनरली न्यूज में रहता नहीं है, बट इस बार ये न्यूज में आया है। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कमीशन। ओके, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1st of October 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इज टू इवॉल्व टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उनको इवॉल्व करना। ओके, and it works under the Ministry of Education with its headquarter at New Delhi. और इसके current chairperson कौन है? Professor Avinash Kumar. Professor Avinash Kumar is the current chairperson. And also remember this, कि इसकी quarterly journals आती हैं जिनका नाम है विज्ञान गरिमा सिंधु and ज्ञान गरिमा सिंधु. These are the two quarterly journals that is launched by the commission. Alright, so this is some basic information about the commission, guys. You can expect any of the question from the basic information about the commission. Okay, so the question that can be asked in an exam is like this. Recently, Diamond Jubilee of Commission for Scientific and Technical Terminology was observed on 1st October 2020. So with respect to the commission, identify the correct statement. With respect to the commission, हमें correct statement को identify करना है. And what are the statements? It is headquartered in Mumbai. No, it is headquartered in New Delhi. Okay, ये New Delhi में headquartered है. Other than this, it works under the Ministry of Science and Technology. No, it works under the Ministry of Education. जो कि पहले क्या था? Ministry of HRD. So, second statement is also incorrect. It has an objective to evolve technical terminology in Hindi language. No, guys, not only in Hindi language, but in all the Indian languages. So, जितनी भी Indian languages हैं, उन सभी में technical terminology को evolve करने का काम है इसका. So, all the statements are incorrect. So, therefore, option D, none is correct, will be the correct answer here. Okay, and now let's move on to the next question, question number 2, which is about the Swachh Bharat Mission Urban ke jo 6 saal pure ho gaye hain. So Swachhata ke 6 saal bemisal, there was a program that was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs headed by Hardeep Singh Puri, and Hardeep Singh Puri is also the Minister of Civil Aviation. Okay, so unhone kuch data diya hai about the success of Swachh Bharat Mission Urban. So let us look at this data. So 4327 urban local bodies have been declared open defecation free so far. अभी तक 4327 urban local bodies ऐसे हैं जिनको open defecation free declare कर दिया गया है. Other than this, 66 lakh individual household toilets have been completed. 1319 cities were certified as ODF plus, while 489 cities were certified as ODF plus plus so far. And ODF plus और ODF plus plus के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन वन ऑफ द सेशंस. ओके, सो यू कैन वॉच दैट सेशन. 97% ऑफ द वार्ड्स हैव बीन कंप्लीट, हैव कंप्लीटेड डोर टू डोर कलेक्शन अंडर द एसडब्ल्यूएम. देन अभी कुछ टाइम पहले हमने स्टार रेटिंग्स के बारे में पढ़ा था. सो इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट एंड मैसूर हैव बीन रेटेड एज द 5-स्टार सिटीज.
86 सिटीज ऐसी थी जिनको 3 स्टार रेटिंग मिला था एंड इसके अलावा 64 सिटीज वर देयर व्हिच वर रैंक्ड एज द 1 स्टार सिटी राइट 12 करोड़ सिटीजंस पार्टिसिपेटेड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण था उसमें 12 करोड़ सिटीजंस ने पार्टिसिपेट किया एंड ओवर 84,000 इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स इंटीग्रेटेड इनटू द मेनस्ट्रीम व्हाइल ओवर 5.5 लाख सैनिटेशन वर्कर्स लिंक्ड टू द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ओके एंड देन मोर देन 150 वर्कशॉप्स कंडक्टेड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस तरीके का डेटा एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है सो गाइस जो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा गया देन यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन वन ऑफ द एसे अगर कोई एसे आता है बेस्ड ऑन द स्वच्छ भारत मिशन सो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स राइट एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ 6 ईयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सो 66 लाख इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स हैव बीन कंप्लीटेड यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड कैन यू टेल मी Which ministry implements the Swachh Bharat Mission Gramin? Write down in the comments. Swachh Bharat Mission Gramin को कौन सा ministry implement करता है? Please comment में लिख के बताइए. And Indore, Ambikapur, Navi Mumbai, Surat, Rajkot and Mysuru were rated as 5 star cities. Other than this, 86 cities ऐसे थे जो कि 3 star rated थे and 64 cities were 1 star rated. All right. And 1719 cities certified as ODF plus. No, this is not 1719. This is 1319. This question, guys, is quite difficult because ये database question है but आजकल के exams में you can expect any type of question because recently हमने NABARD के exam में देखा था कि जो national infrastructure pipeline है उसमें कितने projects हैं उससे related भी question पूछा गया है so you never know कि question कैसा आएगा so first and second statements one second first one second Okay, so first and second statements are absolutely correct while third is incorrect. So therefore the correct answer should be what? We have to find the incorrect statements. So option C, only three will be the correct answer, right? And now let's come to the next news, which is about the Vaibhav Summit. So the question is, so let us first discuss the news. So this Vaibhav Summit guys has been launched by the Prime Minister of India. Vaibhav Summit launched kiya gaya on the occasion of Gandhi Jayanti this year. 2020 को 2 अक्टूबर को वैभव समिट लॉन्च किया गया है वैभव स्टैंड फॉर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट दैट वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती और ये जो समिट था इसको लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जितने भी रिसर्चर्स हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी आए अपने आइडियाज को जमा करें उन आइडियाज को रिवर्स करके डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज किया जाएगा उस चीज के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था ओके So the aim of the summit is to bring out a roadmap leveraging the expertise and knowledge of global Indian researchers for addressing emerging challenges for development. Okay. And isme other than this, more than 3,000 overseas Indian origin academicians and scientists from 55 countries participated. It was organized by 200 Indian academic institutes. And what will it do? It will help create an ideal research ecosystem, merging tradition with modernity to create prosperity okay so these points guys are not important with respect to the exam this is just for the basic information about the summit even iska jo aim hai that is also not important for your exam just remember ki is aim ke sath kaun se summit ko launch kiya gaya tha by the prime minister and remember also that this was launched by the prime minister right so two things you have to remember two or three things one the name of the summit second launched by whom and third what is the basic aim what is the basic objective of the summit right so let's move on to the question so which summit was launched by prime minister on the occasion of gandhi jayanti 2020 to bring out a roadmap leveraging the expertise and knowledge of global indian researchers for addressing emerging challenges for development so isme clearly aapko objective given hai and ye bhi given hai that this was launched by the prime minister so the name of the summit is what option b Vaibhav summit right And now let's come to the question number 4. Question number 4 is with which organization Ministry of Tribal Development which is headed by Arjun Munda has launched the Tribal Entrepreneurship Development Program. So let us first discuss the news. What is the news? So guys Ministry of Tribal Affairs and ASSOCHAM. Okay. Ministry of Tribal Affairs aur ASSOCHAM mein aur ASSOCHAM ka ek initiative hai jiska naam hai Center for Excellence Initiative. So under this initiative
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एसोचैम हैव लॉन्च्ड दिस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ये ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बेसिक एम है वो उसके नाम से पता चलता है, टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल्स, राइट, फॉर बिल्डिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्राइबल्स एंड टू एनहांस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, इसमें 1000 ट्राइबल आर्टिसंस विल बी आइडेंटिफाइड एंड वुड बी हेल्प टू क्रिएट अ यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी। उनका एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट किया जाएगा और कितने 1000, रिमेंबर दिस, कि इसके अंदर कितने ट्राइबल आर्टिसंस को सिलेक्ट किया जाएगा। सो देयर विल बी 1000 ट्राइबल आर्टिसंस दैट विल बी सिलेक्टेड, राइट, एंड दे विल बी प्रोवाइड कनेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर बेस थ्रू द एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस के थ्रू उनको जो पोटेंशियल कस्टमर बेस है उनके साथ कनेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड अदर देन दिस, एक वेबिनार ऑल्सो वॉज ऑल्सो कंडक्टेड बाई एसोचैम, एंड रिमेंबर द नेम ऑफ द वेबिनार ऑल्सो, खादी सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज एसोचैम, सो एसोचैम गाइज इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1920 विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, एंड इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज इन न्यू डेली, दैट इज इन न्यू डेली, एंड दिस इज डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी, डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी, द करेंट हीरा नंदानी, द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, राइट। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यूज, व्हाट इज द क्वेश्चन, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन गाइज इज व्हाट, एसोचैम, दैट वॉज एस्टैब्लिश इन न्यू डेली एंड करंट चेयरपर्सन इज डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी। एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली लॉन्च्ड Tribes India e-marketplace, identify the correct statement. So recently Tribes India e-marketplace launch किया गया है और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये basically क्या है, ये e-marketplace है जो कि tribals को avail कराएगा, tribals को you know tribals इसमें क्या कर सकेंगे, जो अपने producers हैं उनको बेच सकेंगे directly, okay? मतलब बीच में जो भी middlemen वगैरह हैं उनको eliminate कर दिया जाएगा through this e-marketplace. So Minister of Tribal Affairs श्री अर्जुन मुंडा has launched Tribes India e-marketplace, which will be India's largest handicraft and organic products marketplace for the tribal. ये एक ट्राइफेड का इनिशिएटिव है, ओके, ट्राइफेड का इनिशिएटिव है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड, ट्राइफेड की फुल फॉर्म राइट डाउन इन द कमेंट्स, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ट्राइफेड के बारे में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और इसका जो पोर्टल है उसका एड्रेस क्या है, market.tribesindia.com, रिमेंबर दिस पोर्टल ऑल्सो। And what will it do? It will help tribals to showcase their produce and handicrafts and help them market their produce directly. Okay. And through this initiative, Tribet ka ye aim hai that it will onboard 5 lakh tribal. Kitne? 5 lakh tribal producers for sourcing of various handicraft, handloom, etc. Okay. So this is guys some basic information about this Tribal India e-marketplace. And this is the interface of Tribal India e-marketplace. You can see here. And कुछ अदर इनिशिएटिव्स थे उनको भी लॉन्च किया गया था। सो व्हाट वाज दिस, ट्राइब्स इंडिया के 2 आउटलेट खोले गए हैं, ऋषिकेश एंड कोलकाता, ऋषिकेश और कोलकाता में 2 ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट। एंड इसके अलावा देयर इज वन पाकुर हनी, ओके, पाकुर हनी, रिमेंबर द नेम पाकुर हनी, दैट वॉज लॉन्च बाय ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया, एंड दिस हनी वॉज डेवलप्ड बाय वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स, रिमेंबर द नेम ऑफ द ट्राइब्स ऑल्सो, ये 100% नेचुरली नेचुरल हनी होता है। And it has been developed by Pahadiya tribes. Okay. And now, guys, let's come back to the question number 5. So, what is the question number 5? It is we have to find the correct statement regarding the Tribes India e-marketplace. So, statement number 1 is it is an initiative of Trifed. This is absolutely correct. It will help tribals to showcase their produce and handicrafts. This is also correct. And to also sell them directly. Trifed aims to onboard 5 lakh tribal producers for sourcing of various handicraft, handloom, etc. This is also correct, guys. So, therefore, the option E will be the correct answer. All are correct. Okay. And guys, that's it for the session today. But before ending the session, let me tell you one thing, that there is one correction in the yesterday session. जो कल का session हुआ था उसमें NTPC का जो MOU था उसमें जो option एक given था जिसमें 20,000 MMT का coal production होना था, इस तरीके का एक option given था, but this option was incorrect, लेकिन correct करके I told you that the correct production is 15,000 MMT, but this is not 15,000 MMT, this is 15 MMT, so remember this, जो हमारी slide थी, जो हमने news discuss करा था, उसमें बिल्कुल correct है 15 MMT, but while explaining the answer, I mistakenly told
that the correct production is 15,000 mmt. So please do correct this. अगर आपने 15,000 mmt लिख लिया है तो उसको please correct कर लें. And one more thing guys that I want to discuss is that कि कई students का ये कहना है कि whenever I give the extra information जिससे session काफी लंबा हो जाता है. So अब आप मेरे को comment में लिख के बताएंगे कि you want extra information or not. Okay, अगर extra information होगी तो session थोड़ा सा लंबा होगा, 15 मिनट का वो 20 मिनट हो जाएगा. So, वो काफी बेनिफिशियल होता है गाइज मेरे हिसाब से, बिकॉज उससे रिवीजन होती रहती है कंटिन्यूस. सो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं वेदर यू वांट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी न्यूज, रिगार्डिंग एनी प्लेस, रिगार्डिंग एनी स्टेट और नॉट. ओके, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन गाइज. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं कल के सेशन में. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.